वंदे मातरम पिलामने, गतथर तुम संस्कृत बल्लरीर सत्यम विषय द्वितीय भाग पढ़ी सारी से आम पढ़ी जे गोटे बालक मिछ कही थिवारु केमिति गाँ लोकों ठूँ माड़ खाई एवं से बालक को आश्रम मुनि जनक से कबल रक्षा करते आश्रम को नहीं जाऊ समय एक पुष्करणी को देखाई मुनि जनक गोटे मिछ कथा कहवापे पाटी मध्य मिछ कथा कही तार मिछ कथा को प्रशंसा करते मुनि जनक एवं कही मिछ कथाटी तू गाँर लोकों निकट में कहबू यह शुणी बाड़कटी कुंठा प्रकाश वर्तमान तार परवर्ती अनुच्छेद पढ़वा अपर प्रभाते कृष्ण ग्रामस्य प्रतिभागम जनान अवदत् पुष्करिण्याम एको महान मत्स्यो मया दृष्टः केचन अवदन् अरे त्वं मिथ्यावादी तव वचने को विश्वासः तत्क्षणं कृष्णः उक्तवान् तदानीं मया सह मुनिः आसीत् सोपि दृष्टवान् आगच्छ तत्र पृच्छ अपर प्रभाते अन्य दिन सकाळु कृष्णः ग्रामस्य प्रतिभागम कृष्ण गाँर प्रत्येक भाग लोकंकु पचारिला पुष्करिण्याम एक महान मत्स्य मया दृष्ट पुष्करिणी गोटे बड़ माछ मु देखिछि केचन अवदन केतेक कहिले अरे त्वं मिथ्यावादी अरे तू तो मिथ्यावादी मिछुआ अटु तब बचने को विश्वास तुम कथार किए विश्वास कर तत्ण कृष्ण उक्तवान संगे संगे कृष्ण कहला तदानी मया सह मुनि आसीत सेते बेले मो सहित मुनि थिले सोपि दृष्टवान से मध्य देखिछंति आगछ आस तत्र पृच्छ तांकु पचार एठारे ग्रामस्य सो कारण विभक्ति कौन हम से षष्ठी पुष्करिण्याम पुष्करिणी रे अधिकरणे सप्तमी मया सह सहयोगे कौन हुए तृतीय व्यक्ति तेणु मया सहार्थे तृतीया वर्तमान केते उड़े शब्दार्थ संधि विच्छेद एवं सकारण विभक्ति देखने अपर प्रभाते अन्य दिन सकाळु दृष्टः देखिछि केचन केतेक तत्क्षणम संगे संगे तदानीम सेते बेले सोपि से मध्य संधि विच्छेद सोपि सहयुक्त अपि एको महान एक युक्त महान मत्स्यो मया मत्स्युक्त मया सकारण विभक्ति ग्रामस्य शेषष्ठी मया सहयोगे तृतीया बा सहार्थे तृतीया मध्य कहुए पुष्करिण्याम अधिकरणे सप्तमी वर्तमान परवर्ती अनुच्छेद देखिबा मुनिम साक्षीरूपेण स्वीकृत ग्राम्यजनाः अपरदिने मत्स्यान्वेषणम् अकुर्वन् अंततः सर्वे मिलित्वा पुष्करिण्यं प्राविशन् मत्स्यान् च अमारयन् किन्तु महामत्स्यस्य सन्धानं न प्राप्तं सकलं दिवसं ते अन्विष्टवन्तः सायंकाले नितरां विरक्ताः अभवन् मुनिमुपगम्य सरोषम् अवदन् किं भवानपि अस्मान् प्रतारयति मुनिः धीरम् अवदत् अरे महामत्स्यः किं सरलतया धर्तुं शक्यते तदर्थं श्रमः करणीयः स्वः प्रातः बन्धच्छेदं कृत्वा जलं निष्कासयत तदनु पङ्कोद्धारं कुरुत ततः महामत्स्यः मिलिष्यति मुनिं साक्षीरूपेण स्वीकृत्य ग्राम्यजनाः अपरदिने मत्स्यान्वेषणम् अकुर्वन् मुनिंकु साक्षी रूपरे ग्रहण करि गाँर लोकमाने ता परदिन माछकु खोजिबाकु लागिले अंततः सर्वे मिलित्वा पुष्करिण्यां प्राविशन् मत्स्यांच अमारयन् परिशेषरे समस्ते मिशि पोखरीरे प्रवेश कले एवं माछगुडिकु मारिले किंतु महामत्स्यस्य सन्धानं न प्राप्तम् किंतु सही विराट माछर सन्धान पाइले नहीं ताकु खोजी पाइले नहीं सकलं दिवसं ते अन्विष्टवन्तः दिन सारा से माने खोजिबाकु लागिले
सायंकाले नितरां विरक्तः अभवन् संध्या समयरे अतिशय विरक्त होइवले। मुनिम उपगम्य सरोसम अवदन् मुनिंक पाखको जाई क्रोधर सहित कहिले किं भवान अपि अस्मान् प्रतारयति कण आपण मध्य आम मानू ठकुंट। मुनि ही धीरम अवदत् मुनि धीर स्वर से कहिले अरे महामत्स्य किं सरलतया धर्तुम शक्यते अरे बड़ माछ कण सहजरे धरिबा संभव। तदर्थं श्रमः करणीयः सेथिपाई परिश्रम आवश्यक। स्वः प्रातः बंधच्छेदं कृत्वा जलं निष्कासयत आसन्तकालि सकाळे बंधकु काटी जल निष्कासन कर जलकु बाहर करिदियो। तदनु पंकोद्धारं कुरुत तापरे पंकु काढ़ी दियो। ततः महामत्स्यः मिलिष्यति तापरे बड़ माछ मिलिबो। पंक बा कादुअ को काढ़िले तापरे जाकि महामाछ बा बड़ माछ मिलिबो। वर्तमान केते गुड़िए परीक्षा उपयोगी शब्दार्थ संधि विच्छेद एवं सकारण विभक्ति देखिनेबा। स्वीकृत्य ग्रहण करी अन्वेषणम खोजिबा अंततः परिशेषरे मिलित्वा मिसिकरी सकलम समस्त नितरां अतिशय उपगम्य पाखकु जाई सरोसम क्रोधरे धर्तुम धरिबाकु शक्यते संभव। स्वः आसंता काली तदनु तापरे संधि विच्छेद मत्स्यान्वेषणम मत्स्ययुक्त अन्वेषणम प्राविशन प्रयुक्त आविशन मुनिम उपगम्यम मुनिम युक्त उपगम्य सरोषम अवदन सरोषम युक्त अवदन भवान अपि भवान युक्त अपि धीरम अवदत धीरम युक्त अवदत। सकारण विभक्ति ग्राम्य जनाः कर्तरी प्रथमा दिवसम व्याक्त्यर्थे द्वितीया। भवान कर्तरी प्रथमा धीरम क्रिया विशेषणे द्वितीया महामत्स्यः कर्तरी प्रथमा। ताहले पिला माने आज एतिक पढ़िबा आओ जदि तुमरो किछि डाउट थाए ताहले कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणैबो। आओ वीडियो टी जदि तुम मानको भलो लागि थाए ताहले तुम संग साथी मानको निकट को शेयर कर दियो जा द्वारा से माने भी एही विषय को भलो भाबरे पढ़ी भलो भाबरे बुझी परिबे। ताहले रखिबा धन्यवाद।